देखिए, देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं 2014 के पहले क्या स्थिति में थी और आज के दिन में आयुष्मान योजना के बाद उनकी क्या स्थिति है, कितना बेहतर काम हुआ, उसकी एक झलकी आज हम आपको देंगे। लेकिन साथ ही साथ झारखंड में जो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पे है उस पर भी थोड़ी चर्चा करनी आवश्यक होगी। देखिए, सबसे पहले हम सबों को पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस योजना आयुष्मान भारत की लॉन्चिंग अपने रांची से ही हुई थी 23 सितंबर 2018 को। ये झारखंड का सौभाग्य था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी दुनिया की स्वास्थ्य योजना की शुरुआत झारखंड से ही की थी और इस योजना में अब तक लगभग 17 करोड़ 90 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किया जा चुका है और 18 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है। और इस योजना में ये बताने की आवश्यकता नहीं कि 5 लाख रुपए तक की सीमाएं हैं और जो एक गरीब व्यक्ति आज उन अस्पतालों में इलाज करा पा रहा है जहां कोई अमीर व्यक्ति करा पाता था, जितने बड़े अस्पताल है शहर के, झारखंड की बात करें या पूरे देश की बात करें तो बहुत से ऐसे जगह है जहाँ गरीब व्यक्ति भी इसी आयुष्मान कार्ड के जरिए अपना इलाज करा सकता है, उसी अस्पताल में एक अमीर व्यक्ति भी करा सकता है जो किसी समय सपना हुआ करता था। देखिए, आयुष्मान कार्ड में सबसे अच्छी बात है कि इसका लाभ लेने वाले लोगों में महिलाओं की संख्या 46.7% है, यानी महिलाओं का एक बड़ा तबका ने ही इसका फायदा उठाया। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की बात करें, पुडुचेरी की बात करें, तो वहाँ जो महिलाओं की संख्या है वो तो 50% से भी ज्यादा है, जो बहुत ही उत्साहवर्धक है कि दिखा रहा है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में किस प्रकार जो जागृति है महिलाओं में भी वो बढ़ी है।